मेरा सवाल है कि क्या किसी इंसान या जानदार की तस्वीर हाथ से बनाना जायज़ है या नहीं ये हमारा फतवा फिका यही है कि जायज़ नहीं है क्योंकि वो इम्प्रेशन एक्सप्रेशन चेहरे के सारे तसरा वो इंसान दे नहीं सकता हाथ के स्केच से कैमरे से तस्वीर खींचना बिल्कुल और चीज़ है उसमें हर चीज़ आ जाती है ठीक है इसलिए बाज़ दफ़ा बाद बच्चे बाज़ माएँ बड़े फ़खर से लेके आती हैं देखा जी बड़ी अच्छी तस्वीर बनाई आपकी या अपनी इस बच्चे ने और कितना अच्छा खूबसूरत स्केच बनाया मैं कहता हूँ ये गलत चीज़ है इसको फाड़ दो मेरी तस्वीर कभी ना बनाना ठीक है और मैं तो डिस्करज करता हूँ बल्कि बच्चों को ऐसी चीज़ों से इसलिए हाथ से बनाना बिल्कुल गलत चीज़ है और नहीं बनानी चाहिए ठीक है वो कैमरे की तस्वीर बिल्कुल और चीज़ है और वो भी एक बार मकसद किसी मकसद के लिए होनी चाहिए बाज़ा तो बास प्यारों के इजहार के लिए लोग अपने लिए तस्वीर खिंचवा लेते हैं पासपोर्ट के लिए वीज़े के लिए आइडेंटिटी कार्ड के लिए चीज़ें होती हैं मजबूरी है, है आजकल के ज़माने में ठीक है बहुत सारे आइडेंटिटीज़ के लिए हजरत मसीह सामने फरमाया कि मैं अपनी तस्वीर खिंचवाई है इस मकसद के लिए कि लोग बज दफ़ा पहचानते हैं शक्ल शक्स से पहचान लेते हैं देख लेते हैं उनमें इतनी ज़्यादा क्या फ़त होती है ऑब्ज़रवेशन इनकी ऐसी अच्छी होती है कि वो देख लेते हैं कि ये शख्स नेक है या कौन है तो उससे फिर उन पे नेक असर होता है और तबलीग का रास्ता खुलता है तो ये मकसद था वसीम इस्लाम का भी तस्वीर खिंचवाने का और यही खुलफा के लिए मकसद होना चाहिए ना सिर्फ ये कि सिर्फ सजावट के लिए रख ली जाए ये बाज़ लोग अपने ड्राइंग रूम में लगा लेते हैं इसके जगैर लोग आते हैं उनके लिए तब्लीग के रस्ते खुल जाएँ कुछ पूछते हैं अच्छा ये किसकी तस्वीर है कौन है क्या है उससे फिर ऐसा ऐसा बात आगे चलती है तो नेक मकसद जो हो उसके लिए तस्वीर खींचाना भी जायज़ है बिला वजह किसी को इसलिए किसी बुज़ुर्ग की तस्वीर खींच लेना कि ये बुज़ुर्ग है और ये हमारे घर में उसकी तस्वीर लगी हुई है इससे हमारे घर में बरकत पड़ जाएगी और ये हो जाएगा वो गलत चीज़ है बरकत होती है अमल से अल्लाह तला के हुक्मों पर अमल करने से अल्लाह ताली की इबादत करने से अल्लाह के रसूल के हुक्मों पर अमल करने से ठीक है नए का बजा लाने से ठीक है इबादत का हक अदा करने से तब घरों में बरकत पड़ती है यही हुक्म है हदीस में आगे ये भी आया हुआ है इसलिए उस बरकत को तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए बाकी जहाँ तक ये सवाल है हाथ से स्केच बनाना ये चीज़ ग़लत है नहीं बनाना चाहिए किसी जानवर का हाँ किसी जानवर का वैसे स्केच बना दिया बना दो वो तो ठीक है लेकिन इंसानों को बाहर नहीं बनाना चाहिए ठीक है जजाक चलो फिर जजाकल्ला तो